गौड़ी महला पांचवा भुज वल वीर ब्रह्म सुख सागर वल वीर ब्रह्म सुख सागर जिस दिया बल वाली भुजा उत्कृष्ट भुजा वाला जो परमेश्वर है वीर सूरमा है या बलवीर बलभद्र है वीर जो कृष्ण आदका उतारन धारण वाला है भुज उत्कृष्ट भुजा वाला वो ब्रह्म है भू पृथ्वी आदका तो जय पैदा की है जिन सारी रचना पृथ्वी आदका जय पैदा किया है अंड जखानी जेर जखानी सेठ जखानी उत जखानी आदक भी जिसने पैदा की उत्कृष्ट भुजा वाला जो परमेश्वर है वो बलवीर सारे अंदर बल देने वाला वीर बहादुर है ब्रह्म सुख सागर ब्रह्म वो व्यापक है सुखा का समुन्द्र है भाई गर्त पर्त गह लिहो अंगुरिया बेनतियां कर रहे हैं परमेश्वर गर्त पर्त असी मोह रूपी गर्त टोए परत पै रहे हां अज्ञान रूपी गर्त खाते च डिग रहे हां गह लिहो अंगुरिया साडी दुर्ती रूप अंगुल सचे पातशाह पकड़ लो सानू आपके चरणा नाल मेल लो डुब रहा नो मोह रूपी टोए च डिग रहे हां वे मां रूपी गर्द टोए च डिग रहे हां पकड़ लो सचे पातशाह साडी दुर्ती रूप उंगली पकड़ के रहा उंगली फड़ा के पकड़ लो शरण रूपी उंगल दे करके रहाओ सरवन न सुरत नैन सुंदर नहीं फिर जिस आदमी के कन्ना विच पूरा होवे सुन न सकदा होवे अखां भी पूरा रूप न देख सकदियां होन अखां भेलियां जी होन होर दा होर कुछ देखदियां होन आरत द्वार रटत किंगुरिया फिर होवे पिंगला ना ये बोला होवे ना ये नेत्र साफ न होन ते होवे पिंगला ते हथ भी जिसके घट होन इस प्रकार की हालत जिसकी होवे ओदी वालों बेनती है इसे प्रकार मारा सरबन न सुरत साडे सरदा भरोसा रूपी कन्ना विच सुरत व्याप नहीं आप जी प्रेम की लिब लाउण की आपका वचन सुन गए तहां एक कन था ही सुन दिया दुए कन था निकल जाता है धारण शक्ति नहीं इस करके कन्ना विच साडे सुन गए सरदा के विश्वास रूपी कन्ना सुरत व्याप नहीं है नैन सुंदर नहीं साडे मन ते बुद्ध दोवें मित्र सुंदर नहीं मन एवं झूठे संकल्प उठाउंदा रहिंदा है बुद्धि मिथ्या पदार्थ निश्चय करती रहिंदी है इस करके मन बुद्ध रूप नेत्र जेड़े है सुरती स्मृति रूप नेत्र नहीं साडे जां विराग के वेद रूपी नेत्र नहीं हन परोख ते परोख ज्ञान रूपी नेत्र साडे सुंदर नहीं हन आरत द्वार रटत किंगुरिया आप तुसी दुखी हो आप दे साध संगत रूपी द्वारे विच रटत किंगुरिया जिवें पिंगला तीजे पातशाह दे दुहे अगे जिहड़ा सी ना ही कुश्ती सी प्रेमा नाल पिंगला सी वो रुड़ रुड़ के इथे आया सी सुवाजपुरे दा सी ते महाराज दे बूहे अगे बोली जांदा सी क्यों कहिंदा सी गया पछोता लद्दा फेर सिखां क्या मारा मक्खियां भिंकदियां कहों ते दूर कर दिए दरवाजे तों मारन क्या ना भाई निमाणिया दा माण है गुरु घर साडे इशनान वाले जल च इशनान कराओ होगा गुरु साहब दा जिथे इशनान किया सी उस चवचे चेह दा इशनान करा के बस वे के महाराज दी चरणा च पाता जदो कीर्तन की समाप्ति हुई महाराज कहिंदे इत्थों लीला लाहो जो लीला लाया ते काम क्रोध भी अंदरों मेर दिते इशनान दे जल नाल रिकॉर्ड मेर दिता पिंगला गुणा मेर दिता साबित करता भाई सिंह की पुतली नाल अंधकार करके ना मुरारी रख के मथो मुरारी ना रख के कह जेड़े दर्शन करनगे नाम जपनगे जमदे धाम नहीं जानगे एडी वड्डी बख्शिश करती इस प्रकार आरत द्वार रटत किंगुरिया मैं पिंगला हां साधना रूपी मेरे चरण नहीं हैं मैं आरत दुखी हां सब संगत आपके द्वारे अगे रटत बोलता हां कि मेरी रक्षा करो सच्चे पातशाह साधना रूपी पैरां तो हीणा मैं हां दीना लोग की कोड़ चिंबड़े हुए हैं दीना नाथ अनाथ करना मैं गरीबां दे नाथ स्वामी जी ये अनाथ गरीबां ते करना मैं कृपालू सच्चे पातशाह आपका कोई स्वामी नहीं आप सरयां दे स्वामी हो साजन मीत पिता महतरिया साडे सज्जन मित्र भी इस लोक दे अते सज्जन साडे परलोक दे मित्र इस लोक दे
साडे मां प्यो भी तुसी आप हो सके पातशाह। चरण कवल हिरद गह नानक हे सचे पातशाह। इस प्रकार आपके चरणा कमलों का ध्यान करके जरा हिरदे भी ग्रहण करना है, दिल के हथ न पकड़ घुट के ग्रहण कर लेने, कले दिल चो भुलाने नहीं। भय सागर संत पार उतरी। इस प्रकार संतां नूं उन्हां नूं मारा संसार सुंदर को आप नूं पार उतार दिता है। इवें संत महात्मा दसदे है कि साडे ताई वाहिगुरु ने संसार समुद्र तो पार उतार, तुहानू भी पार उतार देवेगा। उहदी शरण लो। राग गौरी बैरागण महला पंजवा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दै गुसाई नीतला। अकाल पुरख वाहिगुरु के अरदास करिये। कदरती परमेश्वर ओंकार सारिआं दा प्रकाश करो। सतगुरां दी कृपा करके प्राप्त हुंदा बैरागण जापी है। इस गौड़ी दी उचारण करदे ने पंजवें सरूप विच दै गुसाई नीतला। दै नाम धातु है, दै दयालु जिस विच बणदा है। दया का घर भी इसका नाम बन जाता है। दया धातु अर्थ है प्रेरक, जो सारे की प्रेरणा करने वाला है। परमेश्वर तू ऐसा है, अते कैसा फिर गुसाई पृथ्वी का मालिक है। नीतला अते नीतला मित्रता लाने वाला है, आपका प्यार लाने वाला है। आपका ऐसा प्यार लाने वाला सोहना मित्र है। माता के गर्भ विच आपका प्रेम आप ही लाया सी। आपका नाम पराबाणी द्वारा सातो आप ही जपाया सी। तैं क्यों दयालु है, पृथ्वी का साई है, नीतला मित्र है लोक परलोक दा। तू संग हमारा बास जी हमारा, तू बसदा तां साडे नाल ही है। पर असी तेन नाल जान दे नहीं, बेमुख हां। तू हिरदे गुप्त बसे ते राती, तेरा भाव नूं बुझे गुवारी। तू साडे नाल मारा प्रतख होके बसना कर, जिस करके सानू बोध होवे कि तू साडा फिर उपर ठांडा गुरसूरा सदा राखा है सच्चे पातशाह। रहाओ तुझ बिन करी ना जीवना। आप तो बिना करी मात्र भी साडा जीवना नहीं हुंदा है। त्रिग रहना संसार, संसार च रहना है कि त्रिकार योग अभी समझ नहीं मारा। आपको बिना जी प्राण सुख दाते प्राणा के रक्षा करने वाले, हे सारे जिया के हिरदिया के अंदर, हे प्राणा के अंदर बसन वाले, हे सुखा दे दाता जी, जिंदगी के देने वाले, चेतन सत्ता पा के प्राणा के दाते सुखदाता जी। निमुख निमुख बलिहार, अख दे खोलन नीतन जिन्ना जिन्ना चे बलिहार जाइए, भुलिए ना करे। ऐसी कृपा साडे ते आप करो जी। हस्त आलंबन देह प्रभ, हथ आलंबन आश्रय देहो सानू। गर कहो उधर गोपाल, आपका कृपा रूपी हथ का आलंबन आश्रय देओ। असी महाराज जी मोह रूपी गर्त टोए डुबे हुए हैं, इस तो उधर उधार लो। हे पृथ्वी दे पालक आप बचा लो। माया दे गर्भ रूपी गर्त टोए को जिन्हें वारिया है, इवे मारा नरक रूपी गर्त टोए तो बचाओ। इवे मोह रूपी गर्त टोए तो, मोह अज्ञान रूपी गर्त टोए तो उधार ना करो। हे गोपाल जी मोह निर्गुण मत खोरिया। कहो भी आप आके सानू मिल जाए निकल के, तो मारा मैं निर्गुण हां, मेरे च कोई गुण नहीं। आपकी प्राप्ति वाला ना सत है, ना संतोख है, ना दया है, ना धर्म है, ना विचार है। अपे बुद्ध भी मेरे च है नहीं इन्होंने गुणा के पछाण करन दी। मेरी थोड़ी मत है सच्चे पातशाह। तू सद ही दीन दयाल, सदा सच्चे पातशाह गरीबा से दयालता करने वाला है। क्या सुख तेरे संभला, आपके केड़े केड़े सुख दिते हुए मारा संभला। याद करिए संभालिए, ज्ञानत सुख आपन दिते है। जिन जिये तो बाब महतारी, जिन जिये प्रात पुतहारी, जिन कवल विधि विचार। केड़ी विधि द्वारा मारा आपका निर्णय करिए, कीता नहीं जाता। ज्ञानत गुण हन आप दिते होए, सरण समाई दास हित। सच्चे पातशाह दासा ने हित प्रेम करने वाले, जो आपकी शरण पै जाता ओदी समाई करने, ओनू मेल दिने आपके नाल। हे दासा दे प्यारे सतगुरु, आप दी शरण आप दी सुनवाई कर दो, बख्शी कर दो। उन्हां दे अगुणा नूं बख्श के मेल लैने, लेखा छोड़ा लेखा छूटा। हम निर्गुण लेह उवारी,
ऊचे आगम अपार त्रिगुण अतीत रूप हो मन की दमता सकल्पा विकल्पा का विषय नहीं अप्रतभगत सिद्धि का विषय नहीं कि आप प्राप्त हो जाओ प्रकृति के कारावार तो भी रहत हो आप सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध सारे पदार्थ उन्होंने मिल गए धर्म भी अर्थ भी काम भी मोख भी अठ सिद्धियां मुखन अणमा अणु वर्गे बरीक बन जाना मैं धरती वर्गे भारे बन जाना गर्मा ये प्यार गेरिया अठ पहलिया सिद्धियां मुख सिद्धियां मनिया दस गौण मनिया ने सिद्धियां योगा व्याखी जन शक्ति जन गौण के मुख शक्ति का नाम सिद्धियां है तो अठ मुख मनिया ने पहलिया जी अठ सिद्धियां ने वो अठ सिद्धियां जो भी आप देने वाले हो सारे पदार्थ भी देने वाले हो इस प्रकार सच्चे पातशाह वराग वे खर संती मोख इच्छा तो सरवण मंत्र ध्यान तत्व दसो ये अठ सहज में भी आप सिद्ध करने वाले हो यम ने वासना प्राणा जाम कारना ध्यान समाज की अठ अंग जोड़ के भी सिद्ध करने वाले हो इसे प्रकार सच्चे पातशाह जीवन वाज चार जो अंतःकरण मन बुद्ध चित अहंकार है इसमें श्लोक समीप स्वरूप चार प्रकार दियां मुक्तियां भी सिद्ध करने वाले हो इसे प्रकार सच्चे पातशाह जीवन वाज इसे अठा भगतों का जो शरीर है सिद्ध प्राप्त रूप आप ही हो नाम महारासमा नाम जो महाराज ब्रह्मानंद देने वाला है वो साडे हिरदे च वसे कृपा करो तो प्रसन्न कहे केसवा धारी परमेश्वर किस विचलित करे निराले तेरे सोहने नक जिन लंबड़े वाला सरगुण स्वरूप धारने वाले केसा धारी परमेश्वर तो प्रसन्न करे केसवा किन से पीपी केसवा जल आदकों सहन करने करके केसव नाम पिया है ओहे जल आदकों का आधार रूप परमेश्वर तो भली प्रकार दिया आप प्रसन्न होए हो हे जन हर गुण गा जन प्रेमी हरी आप दे गुणा का गाह स्थान बन जाते है ओ गुणा नू गाह ग्रहण कर लेंदे हन गुणा नू गाउंदे हन मात पिता सुत बंध जगह फारसी च ओ गुणा दी गाह जगह बन जाते है गुणा नू ग्रहण करन वाले बन जाते इस भाषा च गुणा नू गाह गाउंदे हन मात पिता सुत बंध दुखिया नू गाह दवा लेंदे हन मात पिता सुत बंध ए महाराज सारिया के माता रूप भी आप हो पिता रूप भी आप हो पुत्र रूप भी आप हो संबंधी भी आप हो माता भानी जी पिता गुरु रामदास साहब पुत्र गुरु हरगोबिंद साहब संबंधी महादेव आदिक सब साडे तुसी हो मेरे प्राण आधार सबके पातशाह साडे प्राणा का आसरा रूप हो इवे माता खिमा रूप हो पिता संतोष रूप पुत्र ज्ञान रूप संबंधी सरवण आदिक सब आप ही हो साध संग तू मेरे प्राण आधार सच्चे पातशाह प्राण का आसरा रूप हो आप ही साध संग नानक भजै जी कहते साध संग चाव का भजन करते हाँ देख तरिया संसार भजन किया जो रूप संसार ने तरना किया है ओ मुक्त हो गए आज भी कृपा दृष्टि करके गौड़ी बैरागन रोए के शांत के घर महला पंजवा एक ओ अहंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारो गावे जी रोए दे शब्द जेड़े है पुराने लोग गाया करदे रह रह के जी नू गाया जावे टकाट गा के और होए के शब्द पाउंदे सन देवी दिया भेटा गाने वाले होंगे है जेडे इं गाउंदे है माइये नितन जाइये बल बल जाइये इस चाल दे नाल गाउंदे है ओह चाल के होए दे शब्द गुरु साहब जी ने उच्चारण किए घर च पंजे पातशाह शब्द उच्चारण करते हैं और होए रह रह के जेडे शब्द गाए जान और होए तय एक रहन वास्ते एक रैत रूप च रहन वास्ते शब्द जस जिस घर सत्संग च गाए जान ओ पंजे पातशाह उच्चारण करते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद है कोई राम प्यारू गा जिस वक्त शीतला वगैरह निकली हुए
माइया हौली हौली पेटा देवी दिया गाउनिया दिया पहाड़ना ये चाल चो चाल उच गाना आ गया है। है कोई राम प्यारू परमेश्वर ओंकार सारे मैं प्रकाश को सतगुरु की कृपा करके प्राप्त हुंदा सर्व कल्याण सुख है कोई राम प्यारू कोई है भाई दुनिया च मर्द है जो जेड़ा प्यारे राम दे ताई गौना करे कोई है करोड़ा चो कोई होवेगा कोटन में नानक को नारायण जनचीत कोई ऐसा है सूरमा जरा मन नु जित के वकारा नु जित के इंद्रिया नु जित के विषया नु जित के फिर राम प्यारे अकाल पुरख के गुणा नु गावे कोई कोटा विच नहीं है। सर्व कल्याण सुख सच पावे सारिया मुक्तियां प्राप्त हो जानगियां श्लोक शुरू समूह समीर जागत अते कैवल मोख जीवन मुक्ति विदे मुक्ति आदि सारिया कल्याण ते सच्चे सुख रूप नू पा लवेगा जो कदे सुख नास ना होवे। राव बन बन पूजत फिरत बैरागी उस वाहिगुरु की प्राप्ति वास्ते बैरागी होई गुप्ती संतां दी भगतां दी खोज संत मिले प्राण आधारे राम ताण तन खीन पे आदि मिलत प्यारे राम महात्मा कई कल्पां तक तप करदे है साधन करदे है उस कारण मिलन वास्ते शिव जी भी आवत क्या शिव जी ने योग साधना करते हैं फिर वग ही गंग फिर मोड़ना चीत दसम पातशाह ने कहा शिव जी उस परमेश्वर की आराधना करते सिर तो भी नदियां गंगा वर्गियां बागियां फिर भी चित नहीं मोड़िया हर वक्त उस वाहिगुरु वाल लगे रहे यू महादेव बैरागी गावा गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान में अंतर जाने हो इस प्रकार बना बना कोई मधु बन विच कोई जिंदरा बन आदकों के भालदे सिरदे विरागी हो के संसार तो प्राण हो के तू भगत ने जिस प्रकार मधु बन विच परमेश्वर का चिंतन किया सी पंजा महीनिया च महाराज की प्राप्ति कर ली सी इसे प्रकार बन बन फिरत खोजत कोई बाणिया नू बना बना कोई भगने लीड़े पा के कोई खट्टे लीड़े पा के कोई काले लीड़े पा के कोई चिट्टे लीड़े पा के बना बना के दाणिया नू भाड़ते फिरदे है अते कई बना बना के अंदर बाण प्रस्ती बन बन के भाड़ते फिरदे है कई बन पानिया के किनारे किनारे ही अपने बहुरक सन्यासी बन के बहुरक बहिंदा वेदक पानी उथे तुरे फिरना सन्यास धार के इस प्रकार बाणिया नू बना बना के कई बरागी योगा बरागी रामानंद पुजारी बना रामनंद के उपासक बन बन के भागते फिरदे वैष्णो आदि बन करके बिरले काहू एक लिव लागी कोई कोई बिरला ऐसा पुरख है जिदी एक परमेश्वर की लिव लगी होवे गुरती जुड़ी होवे जिन हर पाया से वड भाग जिन्हें जिन्हें हरि अकाल पुरख नू प्राप्त कर लिया हे ताई बहुत बड़िया भागा वाले पुरख ने ब्रह्मादिक सनकादिक क्या है पूरी जी गल नहीं वाहिगुरु की प्राप्ति जी नू ब्रह्मा तो आग लेके चाहते हैं ब्रह्मा जी के आदक बगदाल मुनि आदक होर रोम ऋषि आदक सारे जिन्ने ब्रह्मा के विशिष्ट आदक पुत्र हैं सारे जिसनू चाहते हैं बाल खिल आदक सठ लख ये पुत्र सन ओ भी जिसनू चाहते हैं इस प्रकार सन कृष्णनंदन सनातन संत कुमार ये चारे भरा भी जिस परमेश्वर जी ब्रह्मा के पुत्र हैं नारद आदक ये भी सारे जिस वाहिगुरू चाहते हैं सन कृष्णनंदन सनातन संत कुमार हर वक्त परमेश्वर जी चाहना के लगे रहते हैं। एक बार भी गल है कि सन कृष्णनंदन सनातन संत कुमार ये चारे भ्राता जेडे सन रस्ते तुरे जाते सन तो शिवजी समाधि लाई बैठा सी शिवजी नू मथा नहीं इन्होंने टेकया ना टेकने करके पार्वती नाराज होगी कहन लगी चंगा तुसी मथा नहीं टेकया जाओ उठ बन जाओ उठ बन के विचरन लग गए फिर जाके जी हुण तां खुश हो तुसी कहिंदे साडा की बिगड़िया होया असी सब मौज या सौचाचार नहीं करनी पैंदी उत्तों दृश्यां दी कूबलां धू लैंदे आ फिर पार्वती कहन लगी चंगा तुसी सूदर बनो फिर सूदर बन गए फिर भी खुश बैठे वेखे तीजी बार फिर कहंदी
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਕਾਰਜ ਕੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਰਾਜ ਸੰਤ ਸੰਗਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਕ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏ ਚਾਰੇ ਭਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਅਕਾਦਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਰਨਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਆਏ। ਹੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਸਨਾਤਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਏ ਕੋਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪਦੇ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਬਰਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਿਸਨ ਨੇ ਸਨਾਤਨ ਸਾਧਾ ਚੌਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤਾਂ ਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਕਾਰਿਕ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਬਲ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਰ ਦੇ ਆਸੇ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਕਾਰ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਰਮ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਹੰਸਾ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਤ ਸੰਗਨ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿਕ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤਪ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਚੌਹਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਗੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦਰਖਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੂੰ, ਅੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਿਆ ਕਰੂੰ। ਕਿਉਂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ? ਕੋਈ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਨਾਤਨ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਵੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰ ਆਹਮਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਜਤੀ ਸਿੱਧ ਹਰ ਆਹ ਗੋਰਖ ਨਾਥ ਆਦਿਕ, ਤੇ ਜਤੀ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਆਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਕਪਿਲ ਸਿੱਧ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਸਭ ਹਰੀ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੇ ਅਰਥ ਹੈ ਆਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਹ ਬੜਾ ਸਰਜ ਹੈ ਉਸਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂ ਹਰ ਗੁਣ ਦਾ ਸਦਗੁਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹੇ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਕੀ ਸ਼ਰਨ ਜਿਨ ਬਿਸਰਤ ਨਾਹੀ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਦਾ ਨੀ ਹੈ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਤ ਮਿਲਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੀ ਮਿਲਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਛੜਦੇ ਨੀ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਭਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਰੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਾ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਕਰਕੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਮੂਲ ਨਾ, ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨਾ ਮੂਲ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨੋ ਬਾਹਰੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿਚ ਆਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਕਰ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਪੀਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਨਾਨਕ ਮਾਂਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਏ ਕੇ ਸੰਤੋਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਿਨੋ ਸੁਨੋ ਪ੍ਰਭ ਊਚ ਅਪਾਰ, ਨਾਨਕ ਮਾਂਗਤ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ।
पवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। वाहिगुरु जी का सतगुरु जी साजी नवाजी गुरु खालसा साहब सुनियो जीओ। जिस प्रकार सतगुरां ने पिछे चेती विच बैरागन गौड़ी विच ग्वारेरी विच पवित्र श्रीमुखवाद शब्द उच्चारण किए है, हुण सतगुरु जी गौड़ी पूर्वी जाति जिस गौड़ी की ओ सतगुरु जी उच्चारण कर रहे हैं। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवां पंजवें सरूप सच्चे पातशाह जी एक वाहिगुरु परमेश्वर ओंकार सारिआं दा प्रकाशक सतगुरां दी कृपा करके प्राप्त हुंदा है। पावन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। माता पिता रूप जो संत जन महापुरख ब्रह्म वेते तत वेते हन उन्हां दे पास जिज्ञासु जा के इस तरह प्रकार बेनतियां करदा है। जिस प्रकार विछोड़े वाली पत्नी पतिव्रता धर्म दे विच अडोल रहने वाली अपनी माता दे पास बेनती करे ओ रूप कलंकार द्वारा हजूर फरमाउंदे हन। पवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। माता कवन केड़िया गुणा करके प्राणा दा पति गुरु मेरा प्यारा है पति ओ किस प्रकार मेनू मिलना करे। ये रूप का अलंकार है अपनी माता दे पासों बिग माता दे पासों छोटी अलर बच्ची ने शिक्षा प्राप्त करनी सेवा दी जाय ते प्रसन्नता दी फिर रहाओ रूपहीन बुद्ध बालहीनी। जो रूप चंगा हो गए तो पत्नी का तो पति नु प्रसन्न कर दी है। दूजी बुद्ध होवे चंगी बिहारा दी परमार्थ दी शास्त्र ज्ञान दी फिर भी अपने पति नु प्रसन्न कर सकती है। रूपहीन बुद्ध बुद्ध बालहीनी बल होवे भरावां दा भाईयां दा बल होवे भरावां दे बल दे सहित होवे फिर भी पति सत्कार करदा है। मोह परदेसन दूर ते आए नेड़े देश दी होवे फिर भी पति नु सत्कार करना पैंदा है। मेरे विच हे माता कोई भी गुण नहीं मैं परदेसन हां दूर तो आई हुई है। हमें पति की प्रसन्नता करने गुण चंगा रूप होना चंगी बुद्ध होनी चंगा बल भरावां दा होना देश उसके वासी होना इसे प्रकार दौलत वाले होना युवावस्था वाली होना इस प्रकार के जेडे गुण होंगे पति की प्रसन्नता का कारण होंगे। एक तो रूप होना एक बुद्धि होनी दो बल होना भरावां दा तीन देश वाली होना चार धन वाली होना पंज युवावस्था वाली होना छे इस प्रकार के गुण जिस स्त्री च होना उस पति प्रसन्न हो के उन सुख दे नाल वसेबा दिंदा है। तो इन्हां गुणा तो मैं हीनी हां इसे प्रकार गुण हन के साहिब सिंह जी बाहज अंतरीम गुण नु इस प्रकार घटायो। अरूप अरूप ही पवन गुण प्राण पत मिलो मेरी माई। मेरे माता पिता रूप संत जनो तत् देते ब्रह्म देते हो पवन गुण केड़े गुणा करके मेरा प्राणा दा पति जो प्राणा दा आसरा रूप है सारिया दा सब मैं जीव जीव है सोए सारिया दे विच जी जिहड़ा है जीव चेतन है सब मैं जोत जोत है सोए तिहजा चन सब मैं चन होए जी ज्योति दी जोत सारिया विच जीआं अंदर जीव सब कुछ जान ला ओ प्राणा दा पति जिहड़ा है जिहदे आसरे प्राण चलदे हन प्राणा तों बगैर शरीर मुरदा हो जांदा है ते प्राणा दा आधार रूप पति साखी रूप चेतन है ओ प्राणा दा पति मेरा अभास बुक्ति बेनती कर दी है ब्रह्म देवतियां दे पास मेरा माता रूप संत जनो ओ केड़े गुणा करके प्राणा दा पति जो सर्व का साखी है सारिया दा प्रकाशक है सारिया तो न्यारा है सारिया दे संग रहन वाला है ओ केड़े गुणा करके मेरे ताई प्राप्त होवे। रहाओ
रूपहीन बुद्ध बालहीन पति की प्रसन्नता का कारण रूप हुंदा है। वो रूप साहब संघ जी शरीर के रूप नू तो चिट्टिया चमड़िया फलहरी वाले की भी चिट्टी चमड़ी हुंदी है जी फलहरी निकली हुई होगी इस करके रूप नहीं प्रसन्नता करने वाला। हजूर ने कहा रूप बंत हो ना ही मोह है प्रभु की ज्योत सगल का सो है। चंगे रूप आया बन के भी परमेश्वर की प्रसन्नता नहीं हो सकती। चिट्टी चमड़ी नू वेख के पति तक शक प्रसन्न हो जाए सो रूप इथे साहब सिंह जी दिल की सफाई का नाम है। जेड़ा दिल साफ होना निष्कपट होके सेवा करनी कबीर साहब ने कह रहे इखलास मुरख ले मीरा आप खोज खोज मिले कबीरा। दिल दे निष्कपट प्रेम दे नाल जेड़ा मारन चेते करना इस रूप होना चाहिए छल तो रहत होना चाहिए। दिल की सफाई होनी है जेड़ी मन वकारा तो रहत होना जेड़ा ए रूप होना चाहिए है। इस रूप न परमेश्वर प्रसन्न होंगे बहले रूप न तो मोरा चुकने के थोड़े रूप है तोते की सोने सावे ही है उन्हें तो प्रसन्न नहीं हो जाता। इस करके रूप रूपहीन बुद्ध बलहीन महाराज में रूप दिल की सफाई रूप सफा रखना जरा मन वकारी न रखना कपट न करना क्योंकि जरा कपट है ये पड़वा है तो इस कपट करके कपट कीजिए हर पुरख न पीजिए छल करने परमेश्वर नहीं प्रसन्न होंगे। लोग तो अखा मीचिया तो खुश हो जाते हैं अखा च तेल पा के लोगन अंखन पी तो तेल को डार से लोग नीर बहाए दिखावा लोगों नु पानी लगावा के तुरप तुरप करके विखा लिंदा है पर इस दिल की सफाई तो बगैर मन के निष्कपट प्रेम तो रूप तो बगैर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होंगी। हे महाराज मैं रूप तो ही नहीं हाँ दिल साफ नहीं मेरा है कपड़ा भरिया होया है बुद्ध बालहीनी बुद्धि नहीं है बुद्धि सब संगे जी विषय विषय नहीं तो बुद्ध सारे नु चिंबड़ी रही है हर वक्त विषय के अधीन रेंदे हैं। इस बुद्ध की वाक इस तरह लिखा है ये बुद्ध ने वह शास्त्र पढ़े ये न बुद्ध वो तोड़े गड़े ये न बुद्ध वो धर्म कमाए ये न बुद्ध वो लोक रजाए धन कमावन लोक रजावन बेसवादी प्रधान लिखा हुआ है। कहते एदा ना अकल नहीं बारे किले तोड़ लेने एदा ना अकल नहीं बारे धन कमा लेना एदा ना अकल नहीं बारे लोकां नू खुश कर लेना इस प्रकार लोकां नू खुश कर लेना धन कमा लेना एदा ना अकल नहीं है। तो अकल की है यह अकल तो बेसवा विच भी हुंदी है लोकां नू खुश भी कर लेंदी गा के ते धन भी बाहला इकट्ठा कर लेंदी है इस करके एदा ना अकल नहीं। सतगुरु नानक देव जी ने अकल दसी अकली सहब सेवीए अकली कीचे दान अकली पढ़ के बुची बुझिए अकली पाइए मान नानक आख्या राह होर गल्लां शैतान होर सारियां शैतानी दियां गल्लां हन गियां। इस करके हजूर कहने हैं इस पातशाह ये जिज्ञासु बेनती करे कि मैं दिल की सफाई रूप रूप तो हीनी हूँ तो बुद्धि मेरे आत्म विषैणी बुद्ध नहीं है विषय विषैणी बुद्ध है कुदृष्ट बुद्ध है मेरी मिथ्या दृष्टि आई बुद्ध है तो इस करके मैं वो बुद्धि तो भी हीनी हूँ। तो बल भरावान का होंगे बल भरा केड़े है सब संतोष दया धर्म ये गुण जेड़े भ्राता भी नहीं आई हैं या सरवण मनन अभ्यास रूप इन्हों भरावान के बल तो हीनी है बहरले भरा तो भवे कई किन्ने होंगे सो इधर उन्होंने भरावान का बल नहीं चलना बुद्धि के टिकाने वास्ते परमेश्वर के मिलने वास्ते इतने सच्चे पातशाह जी गुण जेड़े हैं भरा हन गे महाराज ने कहा जो गुण हो कटियन से ताई से वीर जेड़े गुण होने उन्होंने उगुण कट्टे जाते हैं ओहो ही सके अम्मा दे जाए भाई है ते वीर हनगे बहादुर हनगे। इस करके गुणा ने जेड़े सरसंतोख दया धर्म जां सरवण मनन आदिक इन्हां दे बल तो भी हीनी है। मैं कदे अठे पैर परमेश्वर का सरवण कर लू मेरे विच ये भरावां दा बल नहीं है मनन कर लू भरावां दा बल नहीं विज्ञापन कर लू भरावां दा बल नहीं इन्हां दे भरावां दे बल तो भी हीनी है रूपहीन बुद्ध बालहीनी भरावां दे बल तो भी हीनी है परदेसन दूर ते आई बुद्धि दा बल इकट्ठा समझिए आत्म विषैणी बुद्धि दा बल है नहीं
विषय विषयनी का बुद्ध है बल है जिस करके मंगे कौन कुमत ने नीनी पर दारा निंदा दस देव रजो राम भगत ने कीनी मुक्त पंथ जानू तैनाम धरण को ताया अंत सहन कौन जीना दुर्खा बंधाया इस प्रकार की कुमती वाली बुद्धि का है जेडी आत्म विषयनी बुद्धि का बल है जिस करके उत्तम मत मेरे तू आओ प्यालो गावो गुण गोविंदा अब प्री तो मोह लागे ना हो उस बुद्धि के बल तो मारा मैं हीनी हो मोह संत मारा ये भरावा का बल ना लाया कर दे ओ भरा सरवण आदि ग्रहण करने मोह परदेशन दूर के आई मोह परदेशन दूर के आई है महाराज मैं परदेशन हूँ मैं अनात्मा देह के बसने वाली परदेशन हूँ कई जन्म पे कीट पतंगा कई जन्म का जमीन को रंगा कई जन्म पंखी सर्प हो कई जन्म है वे भी खजोयो क्यों महाराज मैं परदेशन हूँ ये अनात्मा देह की रहने वाली हूँ अजय तेरा है आत्मा देह सारे का अपना आप रूप इस प्रकार मैं परदेशन हूँ तो दूर 84 लाख जून भोग दी सच्चे पातशाह कितने पाहन अनेक युग एक युग एक छोर बास करे पत्थर अनेक युगा तक एक छा ही बसते रहेंगे है इस प्रकार महाराज में दूर तो आई है जूना की धर्म की हुई नाहन दर्ब ना जोवन माती अजय नाहन दर्ब ना जोवन माती दूर जूना 84 लाख जून चो भोगदी हुई आई है मनुखा जन फिरद फिरद बहुते युग हारे हो मानस वे नहीं मानो कहत मिलन की वरिया सिमर कहा नहीं क्यों दूरों आई है मारा मैं नाहन दर्ब ना जोवन माती अत ना मेरे को सके पातशाह दर्ब है धन भी है नी जो धन स्त्री को मापिया तो लिया ता भी पति नु प्रसन्न कर लेंगी है इस प्रकार महाराज मेरे को नाम धन भी है नी पूरे पुना रूपी मापिया का दिता होया अमृत नाम का जाप जेड़ा करना है अच्छे पैर सिमरन करना ये साडे कोले धन भी है नी ना जोवन माती ना सके पातशाह बहले धन के नाल भी तू प्रसन्न नहीं हुंदा क्योंकि सप थोड़े थिया बैठे रहते धन के मालिक बन के उन्होंने भी तू प्राप्त हो जाता है सच्चे पातशाह इथे नाम रूपी गर्व भी कसम किया है समझना है ना जोवन माती जवानी भी मस्त नहीं हां ज्ञान जेडी जवानी च मस्त हो तो भी पति प्रसन्न हो जाता है इसे प्रकार जोवन की है शौक अवस्था बारलियां जवानिया के नाल कई जन्म साध संगत जी जवानिया भोगदे भोगदे फरीदा किती जोन प्रीतम सुख गए कुमलाए प्रीति तो बिना कितने जवानिया सुख गई कुमला दिया परमेश्वर के नाम तो बिना सुख गए उन्होंने चित सोग दे सहत हो करके सर्वथा सुख का भाव होना सुख जाना है कुमला जाना मुरझा जाना आसी संपदा के बल करके इस प्रकार सच्चे पातशाह शौक अवस्था रूपी जवानी की लोड़ है इतने शौक अवस्था रूपी जवानी विच में मस्त नहीं हुई वाहिगुरु के मिलन का रोम रोम जो श्वास श्वास सिमरन करना है शौक जागना है के एक घड़ी न मिलते कल युग होता हूं कल मिलिए प्रतुर भगवंता ये शौक रूपी जवानी की मस्त नहीं हुई पूरा शौक नहीं सानू चढ़िया एक साहब ही तेरे ने जीविया नहीं जाता घड़ी ना मिलती तो कल युग होता हूं कल मिलिए प्रतुर भगवंता मुहे रहन ना देहावा नींद न आवा उदन देखे गुरुद्वारे जियो हो कोली जी कोल कुमारी तू सचे गुरुद्वारे जियो यही जी जवानी की भी मस्त नहीं हुई साड़ी गुरजी मोहे अनाथ की तरह समाई सचे पातशाह मैं अनाथ हूँ यतीम हूँ सचे पातशाह मेरा कोई मापे सत सत मेरा पिता नहीं है संतोष रूपी मेरा चाचा नहीं है अते खेवा रूपी मेरी माता नहीं है इन्हों गुणों तो अनाथ यतीम हाँ महाराज में मेरे के गुण कोई नहीं है देवी संपदा कोई नहीं आसरी संपदा रात दिन मेरी चिंबड़ी रहती है कृष्णा मेरी माता बनी रहती है क्रोध मेरा पिता बनिया रहा है इस करके सब गुणा रूपी मापिया तो रहत मैं अनाथ यतीम हाँ जी करो समाई मेरी समाई करो मिलना करो कोई भी गुण मेरे च नहीं है जिस प्रकार मैं मिल सकूं उवे
संगत राही सुखी पातशाह मेरे कह मिले ना करो आप। खोजत खोजत तही बैरागन, खोजिया है शास्त्रा नू, खोजिया है वेदा नू, खोजिया है स्मृतिया नू, खोजिया है पुराणा नू, खोजिया संग द्वारा, खोजिया तन नू, खोजिया मन नू, हूं वैराग दे सहत हो गई है। मन तन बहुत बड़ा गया हर मैं दस किन्ने गुरमुख प्यारे आए मिल में श्री विशन्ने राम राजे। प्रभ दर्शन का हो फिर तो तिसाई, प्रभ दर्शन को हो फिर तो तिसाई है महाराज। मैं प्रभु अकाल पुरख के दर्शना नू दर्शना दी ते भी तिहाई तुरी फिरती है। मेनू बड़ी प्यास लगी हुई है कि कदों दर्शना रूपी अमृत सानू मिले, साडियां जन्म जन्मां दियां कृष्णा लै जान। दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक वालों प्रार्थना की। हुण गुरु महाराज साहब तत वेत माता रूप होके उपदेश दिंदे हो कहिंदे ने सखी दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक। जो मेरा वाहिगुरु सतयुग जी भी गरीबां ते दया करदा सी, त्रेते जी भी दयालु सी, द्वापर जी भी कृपालु सी, हुण भी गुरु नानक रूप कलयुगरे जी प्रभु कृपालु है। साध संग मेरी जलन बुझाई, उन्होंने मेरी साध संगत च मिला करके मेरी जेडी विछोड़े दी जलन का सी साड़ सी ओ सचे पातशाह ने बुझाती, दर्शन रूपी जल दे करके मेरी जलन का मेल दिती, अमृत की बरखा की, नाम दी दर्शन बख्शे सचे पातशाह ने। इस प्रकार साडी जलन का जेडी विछोड़े दी सी ओ सारी मारन अग सी, ए जेड़ा विछोड़ा अग भी न्याई सारन वाला है ए बुझा दिती है। अमृत नाम जल पा के सचे पातशाह ने सतसंगत नाल मिल के सानू सारे गुण प्राप्त हुए है, सारे अवगुण मिट गए है। क्यों साडी अनाथा दी सुनवाई भी कर ली सचे पातशाह ने, सारिया कृष्णा बुझ गई, ओ जो पिछले गुणा दी लोड सी साधु संगत रूप रंग मेरा कृष्णा विचारियो अते नए पेखो रूप रंग सी गारो तो बाहे पगड़ प्रै सेजे आनी। इस प्रकार अंतर जामी सचे पातशाह जी ने साधु संगत द्वारा मेरी जलन का बुझाती विछोड़ा मेट दिता है। इस विच पहला जिज्ञासु वालों वाहिगुरु की प्राप्ति गुरहणी स्त्री वांगू माता दे पासों पुछण दा तरीका है, अते मगली तुक विच वाहिगुरु की प्राप्ति सत्संग द्वारा सचे पातशाह ने कही है। गौड़ी महला पांजवा प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी। फिर जिज्ञासु नाना जिज्ञासु है नाना अधिकारी आपो अपनी इच्छा नु लै के सतगुरां दे पास बेनती करदे हन कि महाराज कथा मैनू जिथों प्राप्त हुई सुनाई है ओ संगत तों वी मैं कुरबान जावां। कहिंदे हन प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी। हे अंतर जामी प्रभु अकाल पुरख दे मिलन वास्ते मैनू बहुत सारी प्रीति लगी हुई है, इच्छा लगी हुई है, अत्यंत परम प्रेम के अस्तर दी प्रीत है सानू। पाए लगो वो करो बेनती, मैं चरणी लग ला करके बेनती कर दी हूँ। संत मिले बड़ भागी, कोई संत ऐसा मिले जेड़ा वड्डे भागा वाला होवे, जिहदे अंदरों वड्याई दी इच्छा भज गई होवे, सात संग जी नी पाया से वी वड भागे, जिहदे अंदरों वड्डे भाग निष्कामी होवे, जिहदे अंदर चेले चाड़े बनाउण दी इच्छा ना होवे, पूजा दी इच्छा ना होवे, सिद्धियां दिखा के लोकां तों मनता कराउण दी इच्छा ना होवे, ऐसी वड्याई दी इच्छा जिहदे अंदरों भज गई होवे, ऐसा निष्कामी पुरख जिहड़ा वड्डियां भागां वाला है, कोई एह जिहा संत वड्डियां भागां करके सानू प्राप्त होवे ते वड भागी वड्याई इच्छा जिहनां दी भज गई है ओह सानू कोई मिले, चाहे कोई होवे जात अजात किसे विचो होवे, हर का दास नीच कुल सुने उन्हां दी संगत कर घंटेदार हो जांदा। रहाओ मन अर्पण संत होवे कोई जिन्ना सास गुरास ने विसरे, हर नामा मन मंत तन सुसे मैन का पूर्ण सोई संत। रहाओ मन अर्पण तन राखो आगे, मन भी उन्हां दे अगे अर्प देंगे, अपने धन भी उन्हों के अगे रख देंगे, जो साडे कोल दौलत है ये सब उन्हों की सेवा च ला देंगे। मन की मत मोह सगल त्यागी, अगे मन किवें तुसीं अर्पोंगे तो कहिंदे जी जिहड़ी मन की मत है ना साडे कोल सारी त्याग देंगे, जो गुरमत देंगे
आपकी मनमत छद के ओनू धारण करा गे। ये मन का अर्पणा है, जेड़ा मन की मत अपनी सारी छड़ देनी है ते गुरु साहब की मत नू धारण करना है। ये मनमत का त्याग करना है, गुरमत का धारण करना है। इस प्रकार साडे अंदर गुरमत जो आ जाएगी तो मन असी आपका अर्प देंगे ते धन भी अगे रखांगे। धन धन अगे उन्हों की सेवा च लावांगे रखांगे अगे। मन की मत मोह सगल त्याग, मन का की अर्पणा, मन की मत सारी जो मेरे अंदर है कि मैं मेरी गल ठीक है, जो मेरा मन कहिंदा ओ ही गल ठीक है, ओ ही करांगा, कि वेद शास्त्र दे आखे नहीं लगना। ए जिहड़ी मन मत है मन की, ए असी सब त्याग देंगे, एह मन नू अर्पणा करांगे। जो प्रभ की हर कथा सुनावै, जो हरि प्रभु जो समर्थ है काल पुरख है, ओह दी स्वरूप रूप लखण वाली कथा, चकचस्ती लखण वाली कथा, स्वरूप लखण वाली सत्य नंद स्वरूप, चकचस्ती लखण जेड़े उस दे विच करता आदिक सुभाव हन गे, सो इस प्रकार की कथा जेरी सुनावे सरगुण निर्गुण रूप दी। आनंदन फिर पिछे वैरागी, राग उन्होंने पिछे वैराग दे सहत हुए फिरिये मैं फिरा, के तानो पुरख है जिन्हों पुरखों ने वाहिगुरु के प्राप्ति की सानू कथा सरगुण कराई है, जिवें वाहिगुरु मिल जावे ओ जाज दसी है। राग ने होरना पदार्थां नूं उपराम हो करके वैराग दे सहत होके वृत्ति साडी जिहड़ी ए चार सवेरों फिर के उन्हां दे मगर लगे फिरिए संगत विच। पूरब कर्म अंतर जब प्रगटे, इस प्रकार जदों इच्छा प्रगट कीती जिज्ञासु ने तां गुरु महाराज साहिब सच्चे पातशाह कृपालू हो के कहिंदे हन, पूरब कर्म अंतर जब प्रगटे, जदों ए भाई पूर्वले जन्मां दे कीते होए जिहड़े कर्म सी निष्काम कर्म, उन्हां दे प्रेम रूपी अंकुर जदों प्रगट हो गए अंदर आके इस मनुखा जन्म विच, भेटियो पुरख रस वैरागी, उस वेले कहिंदे नाले रसिया ते नाले वैरागी, ऐसा पूर्व मिल गया। साधु संगत जी गुण सारे सतगुरां विच ही घटदे है, होर किसे जीव च लभ लो इस मात्र घटणगे जे घटणगे। धन गुरु गोबिंद सिंह साहब ऐसे रसिये कहिंदे, चितना पयो हमरो आवन कै, चुभी रही सत प्रभ चरणन में, एहे जे रसिये ज्यो त्यो प्रभु हमको समझायो, यूं कह के लोक पुछायो, जाय तहां ते धर्म ते लाय, कुबुद्ध करन ते लोक होता है, ऐसे सच्चे पातशाह रसिए वाहिगुरु दे। फिर बरागी चारे साहब जादे वार के यूं कहंदे, जिसकी वह तुसी आगे रख है, प्रभु की आज्ञा मानना मत है, सारी पंजा चहां साहब जादे नूं वार के यूं माता साहबां दे पुछण तों गौने साहब वचन करदे आ, इन पुत्र के शीश पर वार दिए सब चार, चार मुए तो क्या हुआ जीव लाख हजार। ये है बचन गुरु जी ने, ऐडे वैरागी है परिवार नू बार के फिर भी मोह नहीं कर दे। माता अजीत कौर के अंदर प्रेम फुरदा है के योगा अभ्यास करन दा, माता साहब जी योगा अभ्यास गुरु साहब तो सिख के पंजा महीनिया विच आत्मा दे ताईं देख लेंदे है, पर फिर संसार वाल निगाह मार दे है, तो माता जी नूं समझ पै जांदी है कि गुरु साहब जी तो सारा सरबंस वार देंगे। चमकौर साहब महाराज गोविंद साहब जादे वारनगे, दो महाराज साहब सच्चे पातशाह जी फतेहगढ़ साहब वारनगे, ते आप कले ही माछू वाले दे जंगल च लेटे होणगे। ए माता नूं जो दृष्ट वेखिया सतगुरां दे पास आई माता जी कौर, कहण लगी सच्चे पातशाह ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੇਪਰਵਾਓ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਪਾਲਕੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਮੋਹ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਾਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਮੋਹ ਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਮਮਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕੌਮ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਇਵੇਂ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ,
जिन्हों पता लग जा सहार नहीं सकता, तेन हूं समझ पैगी तू सहार नहीं सकती जो कुछ अभी कौन सा करने हैं ए पता नहीं अभी किसी नु अगे देंगे। अच्छा तू यो कर से जे नहीं सहार सकती तो शरीर छट जा। माता जी ने सतगुरां दा वचन मन कह लगी महाराज ओ जो कौतक होगा जो तुम आनंदपुर साहब छोगे साहबजादे वारोंगे हजारा सिंह शहीद हो गए सस्ते से ओ नजारा मैं नहीं सहार सकांगी। माता ने वचन मन के समाधि के नीर छड़ता आदमपुरे माता जी थाना आनंदपुर साहब साहब सिंह जी जो होला मोहला खेलन जायेगा क्यों माता साहब जी ने योगा अभ्यास करके जदो पुत्रा ने मोह किया मारे क्या तू क्यों मोह कर दी है तू सच्चा धर्म वाल तेरे पुत्र नु अरसवी सरदारी देंगे ए हन बचन गुरु कलगी धरते एडे विरागी हन। फिर भाई परम सिंह के धर्म से रूप चंद के पोतरिया ने आके दीने गुरु साहब नु मिले बेनती की सच्चे पातशाह साहब जाके शहीद हो गए सानू बड़ा दुख प्रतीत हुंदा है। उस वेले सतगुरु महाराज साहब ने कहा भाई परम सिंह लखीरां कढो लखीरां कढ़िया मारे कहिंदे मेस दिओ मेस पीआं क्यों पई थोनू कदों ये कोई खुशी होई कहिंदे नहीं जी जो मेसियां उदों कोई दलगीरी होई कहिंदे नहीं मारा है। फिर महाराज कहिंदे इसे प्रकार भाई सानू आए हरख में गए सोग इस तरह सी तो ओदा धन हम जिन्हें धर्म के उत्ते भी कुरबानी की है किवें राज कले नू मारन बचन कीते सी कि जलों की जड़ पट दिती है साहबजादे ने शहीदी पाई है चमकौर साहब फतेहगढ़ साहब असी सरवंस वार के जुल्म की जड़ पट्टी है। इस प्रकार काही का बूटा कट के गुरु साहब जी ने कहा इस प्रकार साहब सिंह जी गुरु महाराज साहब विरागी हैं किसी प्रकार का मोह नहीं सच्चे पातशाह नू सदा संग रहने वाले है बल्कि कहने वाले हैं कि मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना कितने लोग नाग निवासा दे रहना सूल सुराही खंजर प्याला बिन कसाईयां दा सहना यार जिहड़ा सानू सखर चंगा पट के रहना दुनिया का रहना भी पसंद नहीं करते। सतगुरु महाराज साहब साहबजादे नू सुनेह दिते सी भाई दया सिंह नू महाराज साहब ने सुनेह दिता सी हजूर साहब तो भाई दया सिंह जी पहला ही चढ़ाई कर गए सन। इस प्रकार सतगुरां दे कौतक है एडे विराग च रहने वाले है सब कुछ वार के किसे दा मोह नहीं करदे ते रसीए ऐसे महाराज दा प्रेम नहीं कदे भी छड़दे ए सतगुरां च गुण है पूरे साहब सिंह जी। गुरु साहब जी कहिंदे हन तेजो पुरख रस दायरा ऐसे जिहड़े वाहिगुरु दे रसीए पूर्ण गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ते विराग करने वाले सब कुछ कुर्बान करके आपा वार के मोह न करने वाले ऐसे जे पूर्ण गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी मिले हन ऐसे जे रसीए गुरु नानक देव जी ने पुत्तां दा मोह नहीं कीता संसार नू जगत दे अंदर रख लै अपनी कृपा धार जिस द्वारा उभरे तुते लेह उवार ऐसे विराग दे समेत पूर्ण गुरु रामदास साहब जी दे पास साहबजादे जो समाधि च बैठे रहिंदे आके बुलाना चाहुंदे आप बोलदे ने रस विच बैठे रहिंदे ऐसे रसीए गुरु रामदास साहब जी पूर्ण विराग वाले मैं नीर बहे वे चले जीओ ऐसा जिन्हों का स्वभाव है वो पूर्ण पुरख सतगुरु जी तेतो मिले हन। मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक सतगुरु जी कहने हरि अकाल पुरख दे नाल मिलने नाल सारा ज्ञान दा नेरा मिट गया है। जन्म जन्म की सोई जागी सुत सी ना जन्मा जन्मा दी विद्या नींद सुती हुई अधिकारियां दी ओ सतगुरु ने कृपा करके ज्ञान दी जागृत पैदा करके जगा दिती है। गौड़ी महला पांजवा निवस रे पांखी सिमर हर पां हजूर दृष्टान दे के दस दे जिवें कोई साहब सिंह जी पंछी होवे छपड़ी के चित्र च फसिया होया उस दे ताई उपदेश दे कोई पुरख दयालु यह पंखिया चित्र च क्यों फस गए निकलिया बाहर। इस प्रकार गुरु साहब इस जीव नू उपदेश बख्शदे हन। निकसरे पंखी सिमर हर पां जीव रूपी पंखिया निकलिया तू तू क्यों फसिया पिया है अते सिमर हर पास एक जरा हरि का सिमरन करना खंभ बना लै सिमरन कर रूप जरा ये खंभ बना अपने दल वास्ते मिल साधु शरण गह पूर्ण अते
पूर्ण प्रवेशी जी एक साध संगत मिल के शरण ग्रहण करनी है, दूजा खंभ बना खोलते है विचारे दास गोविंद परायण अवनाशी खेम चाहेंगे नाम सुहा सौ नारायण। एक सिमरन करना एक परमेश्वर की शरण लेनी, ये दो खंभ बना रहा मारा कहन लगे राम रतन हीरे संग रात। जी के खंभ होने से बल न होवे वो भी उड़ नहीं सकता, राम जो रतन रूप है ओनु हिरदे दे नाल वसा के रख, ओदी सत्ता दा बल पाउणा कर, विवेक रूपी बल ओहदा प्राप्त कर। रहाउ भ्रम की कोई तृष्णा रस पंकज। महाराज साहब विश्राम दे के कहंदे भाई भ्रम रूपी कोई छपड़ी है एदे च तृष्णा जेड़ी रसां दी है ए पंच चिकड़ जाय पैदा होया है, ए चिकड़ च तू खुबिया पिया है। कृष्णा रूपी कुई छपड़ी विच कुई ना खुई दा हुंदा है, कुई छपड़ी समझनी जिवें चिकड़ दियां खुईयां पईयां हुंदियां हन, ए भरम रूपी कुई है छपड़ी है एदे च कृष्णा रसां कसां दी जिहड़ी चिकड़ पैदा होया है। अत तीखण मोह की सास इत्थों जिवें जानवर सौण वास्ते उड़दे जिहड़े गारे च खुब जाण उत्थे फाही जानवर पा दिंदे है, ए जिहड़ा माया रूपी शिकारी है इन बहुत सारी मोह रूपी फाही अत्यंत पैनली तीखण तिखी है ए पापी है जिहड़ी निकले ना छेती ते पै जावे काली ना ओ तिखी फाही हुंदी है काली दे ना पैण वाली। इसे प्रकार मोह पैंदा बड़ी काली ना फुरदा बड़ा मोह छेती, पैण नू बड़ा तेज है ते मिटण नू बड़ा औखा है। साध संगत जी जिस वक्त मोह पैदा हुंदा झट ही मोह पैदा हो जांदा हरेक आदमी नू, जदो मिटदा है उदो भागा वाले दा किसी दा मिटदा है। इस प्रकार तीखण तेज है जिहड़ी मोह दी फांसी पैण वाली ओ तेरे पै गई है अत्यंती। काटन हार जगत गुरु गोबिंद। मारा मेरी फाही कटी नहीं जांदी, कहिंदे कटन हारे गुरु अकाल पुरख है गोविंद जी हन। चरण कमल ताके करहु निवास। चरणा कौन चिद्दी बिच नूं टिकाणा कर तेरी फाही कट देवे। ओ सच्चे पातशाह जिवें सतगुरु नानक देव जी जो जापान दे इलाके च गए है ओथे कहिंदे है समुद्र दियां जिहड़ियां मच्छियां सी ओ सारियां जाल च फसियां होईयां सन, श्री गुरु नानक देव महाराज साहिब दे चरण जल च पैण नाल सारियां मच्छियां जिहड़ियां सी ओ जाल नूं टुट के परियां बन के कहिंदे स्वर्ग नूं चले जांदियां। जापान लोकां दा इह प्रगट है उत्थे गल जापानियां दी कि गुरु नानक दे चरणां दी शोह नाल ओ मच्छियां परियां बन के जाल च फसियां होईयां छुट के मुक्त होके चलियां गईयां सी। इस प्रकार गुरु महाराज साहिब जी दे चरण कमल ताके करहु निवास। चरण हम कमल वद प्रकाश में उन्हां च निवास बिरती नूं टिकाउणा कर। कर कृपा गोविंद प्रभु प्रीतम। हे गोविंद हे प्रभु हे प्रीतम परम प्रेम दे आसपद साडे ते कृपा दृष्टि करो आप। दीना नाथ सुनो अरदास। हे दीना दे स्वामी साडी अरदास बेनती नूं आप सुनो जी। कर गह लेहो नानक के स्वामी। हे साडे सर्व के मालिक साडे मन रूपी हथ नूं पकड़ के आप दी शरण च लै लो, मुक्त रूपी किनारे ते चाढ़ दियो। जियो पिंड सब तुमरी राज। सारा जेड़ा जीव है सूखम शरीर पिंड सथूल शरीर सब आप दी जीव नूं रास पूंजी दिती होई है ना, तुहानू ही सौंपदे हैं। कृपा करके साडे मन रूपी हथ नूं पकड़ के इस गर्त विचों इस कृष्णा दी खूही विचों दिशां दे रस रूपी चिकड़ विचों सानू कढ लो महाराज। आप तो बिना होर कदू नू समर्थ नहीं है कोई। गौड़ी महला पांजवा। हर पेखन कौ सिमरत मन मेरा। अगला शब्द हजूर फरमाउंदे है हरी अकाल पुरख दे दर्शन करन नू भाई साडा मन हर वक्त सिमरदा रहिंदा याद करदा रहिंदा है कि कदों महाराज साडे सानू दर्शन होण कदों दीदार होण। जिन्हां दर्शना करके भाई गुरदास जी नू दर्शन जदों होए कहिंदे दर्शन देखत ही शुद्ध की न शुद्ध रही बुद्ध की न बुद्ध रही मातमा न मत है। ओ हरी दे दर्शन जिन्हां दर्शन नूं देख के भाई नंद लाल जी नूं सारियां रूहां विच जिस्म दर हर गोबिंद इस रूह दर हर जिस्म गुरु गोबिंद सिंह नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह कहिंदा सारियां जिस्मां देहां विच
जेडी रूह चेतन सतह मेरे गुरु गोबिंद सिंह साहब जी हैं अते अखां विच जेड़ा नूर वेखण वाली शक्ति है ओ साहब गुरु गोबिंद सिंह साहब हैं। ये भाई नंद लाल जी दृष्टि नेत्री सतगुरु पेखण ऐसी दृष्टि दे नाल हरि दे दर्शन करन नूं साडा मन सिमरन करदा है कि कदो मारे दर्शन हर वक्त सिमरन जुड़े रहने आस प्यासी कितवो दिन रहनी आसा आप दर्शन दी भी प्यास वाली हो के रात में चिंदी रहनी है कोई संत मिलावे है कोई भाई है जो संत जी ना सास ग्रह जपन वाला है तो नेड़े ही परमेश्वर शारद को भी नेड़े कुरान शरीफ वाले दसदे है पर जेड़ा नेड़े निरना करके मिला देवे तू है जो संत जिदा नेड़ा होया हो परमेश्वर का निकटवर्ती होया हो आप मिलिया होया हो सानू नेड़े ही जो कह रविदास हाथ पै नेड़े हथा पैरों के पाउण तो भी नेड़े है उस दे नाल मिला देवे निरना करके रहाओ सेवा करो दास दासन की अब जो बहुत है जो कहते किसी दसता तो कोई हो जाएगा संत लोग गल्लां नाल बहुत चुगलियां करते थे कमाई तो हीने होंगे हंकारुआ की न्याई है तो यह जो कोई संत हो आप मिलिया हो सानू निरना करके मिला देवे रहाओ सेवा करो दास दासन की अर्थ होंगे तो बेनती करे जी जैसू मारे मैं सेवा करांगी दासों की दास बन करके अनक भांत तिस करो निहोर करके उन्हें गुरमुखां दा असीं आसान बंद होवांगे बड़ा भारी निहोरा आसान बनावांगे जो आज्ञा करेंगे सारी उम्र उन्हें आसान नहीं भुलांगे तुला तार तुले करेंगे निरतरां करके उन्होंने तुला तार तुले सुख सगले महाराज साहब के दर्शन नूं क्यों इन्ना क्यों नहीं होर कोई सुख ले लो रिधियां ले लो सिद्धियां ले लो मुक्तियां ले लो बकुंठ दियां अते स्वर्ग दा राज ले लो बरम लोक दी पदवी प्राप्त कर लो ये चीजा नी चंगिया तुसी समझदे तां कहिंदे हन तुला धार तोले सुख सगले धारियो बुद्धि रूप तराजू ते धार के रख करके सारे दुनिया दे सुख तोल के वेखे असि शास्त्र प्रमाण की बत्ता पा पा के बिन हर दर्श सबो ही थोड़ा हरि लक्षणा तो बिना जिन्ना सुख है वो सारा थोड़ा ही है ताइये मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्यागे कई बकुंठ नहीं लवे लागे इंद्र लोग सिंह लोग कह जाए वो उच्चे कर कर बाहर आए वो उन्हें भी लोग नहीं रखते गुरमुखो ये बुद्ध रूपी त्याजी ते धर के रखे है तोल तोल के शास्त्र प्रमाण वटे न हरि के दर्शनों तो बिना थोड़ा ही थोड़ा सुख है जैसा हमारे दर्शन के आनंद है वो दर्शन बल्कि संगत विच जिन्ना प्राप्त हुंदा है आपने कहा एक पलक सुख साध समागम कोट बकुंठ है पाए एक पलक मात्र साधुओं के समागम जिथे वाहिगुरु की सिख्याता है उस इकट्ठ विच करोड़ा बकुंठा की प्राप्ति है ये हरि दर्शन तो बिना थोड़े सुख समझते हैं जिवें रहिबा नूं दर्शन देने वास्ते कहिंदे मक्का आया सी मुसलमान दी मसले दी किताबां च आउंदा है सठ को तो मक्का एक कुत्ती तिहाई नूं इहने पानी पियाया सी ते सठ को तो मक्का आया उधर इब्राहिम पैगंबर दर्शन करने वास्ते आया मक्के दा ते मक्का है नहीं थां ते कहिंदे मक्का किधर गया कहिंदे कमजोर दी लड़की है उहदी ज़ियारत वास्ते मक्का गया ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੱਕਾ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਾਏ ਗੁਣ ਸਾਗਰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੋ ਜਾਤ ਬੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰੁੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਵਿਚ ਕਿੱਤੀ ਬਹਿਣ ਇਸ ਕਿੱਤੀ ਦਰਿਆ ਬੰਜਣ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤਨੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਦਰਿਆ ਚ ਰੁੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਰੁੜ ਗਏ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਰੁੜ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਜਾਤ ਜਨਮ ਜਨਮ ਰੁੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਬਹੁਰਾ ਉਵਾਰ ਲੈ ਬਚਾ ਲੈ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਨੰਦ ਸੂਖ ਭੇਟ ਤਾਂ ਹਰ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ
हरी स्वरूप दे हरी जो आनंद स्वरूप है क्योंकि गुरु रूप मेट भेट गुरु जो हरि का स्वरूप आनंद स्वरूप है उन्होंने मिलने करके अत्यंत सुख सानू प्राप्त होया अखंड सुख प्राप्त होया मन मानी शरीर करके जन्म करतार सफल सवेरा साडा जन्म मनुख है जन्म करतार सफल हो गया किरत किरत हो गया अर सिद्धांत नु प्राप्त करके स्वरूप दे विचार नु सफल सवेरा सहित ज्ञान फल दे ये सवेरा सवला ही प्राप्त हो गया सवेरा शीघ्र ही प्राप्त हो गया इक्के जन्म विच ही सच्चे दर्शन निहाल करते ये सोहना वेला सुख संगत का प्राप्त होया इस विच अपने आप नु सवार लिया है ऐसा अमृत वेला प्राप्त होया ये जन्म करतार सफल हो गया मनुखा जन्म की सवेर की प्राप्ति करके सर संगे जी ज्ञानी सिंह साहब भाई साहब पंडित मोहन सिंह आए है थोड़े जे बचने ने तो भी आप सुनिए इथे कथा अज रहन दईए संत प्रसाद गाए गो सागर जन्म जन्म तू जात मोहरा आनंद सुख भेट हर नानक जन्म करतार सफल सवेरा वाहिगुरु जी का खालसा करो कृपा महाराज राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद किन बिज मिला गुसाई मेरे राम राय वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतगुरु जी साजी नवा जी गुरु खालसा साहब संगे जी अंतरजामी सतगुरु अर्जुन देव महाराज साहब जी जो अमृत रूप बाणी भाई गुरदास साहब जी के पासों लिखण की सेवा करा रहे सन उस वक्त भाई तराणा जी गुरु महाराज साहब के प्रेमी गुरमुख सिख गुरु अर्जुन साहब के हर वक्त मिर्च वर्ती उन्होंने गुरु साहब अगे जेडे प्रश्न किए हैं ये दो शब्द आएंगे भाई पुराने जी दे प्रसाए करके गुरु साहब जी ने उच्चारण किए एक अगला शब्द एक शब्द तो गुरु महाराज साहब के पास सिख ने जिवें प्रश्न किए है वह भी तुकां विच ही आउणगे ते जिवें उत्तर दिते वह भी तुकां विच ही आउणगे राम राज शब्द द्वारा राग गौड़ी अंदर पूर्वी जाति है ये पूर्वी जिहड़ी है इसके पैर के हेठां एका लगा होया है ये एका जिहड़ा पूर्वी की पहली जाति है होर जातियां विच भी इन्हां दे कुछ भेद हनगे जिन्हां शब्दां दे हेठ विच कदे दो आउणगे कदे तीन आउणगे इन्हां दीआं जातियां विच भेद है दूसरा इक इहदा कारण कि गौड़ी दे शब्द इन्ने लख पाठ इसका किया जाए तो फिर एदे करके जो इच्छा हो प्राप्त हो जाती है आसा राग दे करोड़ा की गिनती नाल करने पेंदे जिथे अंग आउणगे विच जेडे गौड़ी दे आउंदे है ये महाराज साहब लखां की गिनती नाल इन्हां दी प्राप्ति सिद्धी दसी है ये कारण है महापुरख अभ्यासियां बुजुर्गां तों संतां महापुरखां ने यह निर्णय करके कृपा करके दस्या सी कि कमाई दी बाबत जिक्र है जे हेठां पैरां दे अखर आउंदे अंग आउंदे हनगे जे आउण शब्द दे मुकाबले ते ओह जेहड़े हुंदे हन ओह अपने गिनती दे शब्द हुंदे है चाहे छोटे अखरां च आउंदे है चाहे बहुतियां च आउंदे है जेहड़े पैरां च आउंदे हनगे ये सार संगत जी कमाई दी बाबत आ गया है इस विच सतगुरु जी गौड़ी राग च पूर्वी जाति है जिसकी एक लख मोहन करके दी सिद्धि प्राप्त होगी महला पंजवें पंजवें स्वरूप उच्चारण कर रहे है ये अमृतसर साहब वाले बाबे कृपाल सिंह जेडे बाबे हमीर सिंह के सेवक है उन्होंने भी प्रश्न किया महापुरखा ने जो कुछ दसिया है वह कमाई का जिक्र दसिया है बाकी जाति का जेड़ा जिक्र है वह गौड़ी के पैर हेठ आवे तो फिर जाति का जिक्र है दूजी जाति है पूर्वी की या पहली जाति है इस शब्द के नाल जेड़ा आवे कमाई का जिक्र समझना है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद
किन विद मिला गुसाई मेरे राम राम परमेश्वर है ओंकार सारे का प्रकाश को सतगुरु की कृपा करके प्राप्त हुंदा है। भाई प्राणा जी ने जो प्रश्न किए सन उन्हें सतगुरु सच्चे पातशाह जी आप ही अमृत रूप शब्दों द्वारा बाणी दास जी ने सिद्धा के परसिया कब नुजुगता कब नुमुगता किवें तुकां विच पा के उस परसे नूं आप उचारण करते हैं। किन विद मिला गुसाई मेरे राम राय राम राय दे रूप श्री गुरु अर्जुन देव महाराज साहब जी हे राम व्यापक रूप हे राज प्रकाश रूप हे रमंती राम हे सारिया दे जोगिया जिन्हां दे रमण योग प्रगट होण योग हे राज प्रकाश रूप राजा रूप हे मेरे सतगुरु पृथ्वी दे साईं केड़ी दूती नाल परमेश्वर मिल सकदा है। कोई ऐसा संत सहज सुख दाता कोई ऐसा संत महात्मा होवे जिहदे च दीआं वासना सारियां शांत हो गईआं होण तां अंत सारियां शमन हो गईआं होण वासना जिन्हां दीआं अते फिर ओ कैसा होवे सर्व सहज सुख दाता सहज सुख स्वरूप नु आप प्राप्त कीता होवे उन्हें दाता होवे मोहे मार्ग दे बताई ओ मेरे ताई महाराज परमेश्वर की प्राप्ति का मार्ग रास्ता जो भगती सहज ज्ञान है ओ कृपा करके बता देवे दस देवे रहाओ अंतर अलख ना जाई लखिया सतगुरु साहब जी कहने हे गुरसिख रहाओ विश्राम दे के अंदर ही है भाई ओ पर गुणा तो बगैर अलख है। बड़े लोग जतन करते हैं परमाणुओं का परमाणु बहुत सूक्ष्म चीज है योगी ध्यान नाल वेख सकते है पर उदू भी अलख है परमाणुओं के योगियों के ध्यान का विषय भी नहीं है तो अंदर है सारे के अलख लखन तो रहता है गुरु तो बिना न जाई लखिया शक्ति वृत्ति करके किसी के पासों लखिया नहीं जाता है। विच पढ़दा हो मैं पाई पढ़वा केड़ा पिया है कहते होमै जेडी तन तिरका एक ही संघ वास्ता है विच होमै धीत करारी होमै का पढ़वा विच पाया होया ये संजीवन है जेड़ा जीव अपनी होमे करके वखरा बन बैठा है। माया मोह सब जग सोया माया होमे का पड़दा जीव दे उत्ते क्यों पाप किन पाता ता हजूर फरमाउंदे हन माया मोह सब जग सोया एक दो दी की गल है सारा जगत जिन्ना है जैत पत्ती के जग नाश होने वाला है माया दे मोह विच सब कोई सुता पिया है प्रमादी हो के एहो भरम कहो क्यों जाई ए सतगुरु ब्रह्म स्वरूप तो भिन्न पड़दा करके जीव वखो वखरे बन बैठे भरम जेड़ा पिया होया है भेद भरम ही पहला पंज प्रकार दा जीव ईश दा जड़ जड़ दा जीव जीव दा इस प्रकार जेड़ा पंज प्रकार दा भेद है जड़ ही साधकां दा जीव जीव दा जीव इस दा इत्यादि जेड़ा पंज प्रकार दा भेद है ओ किस प्रकार आप कृपा करके कहो किस प्रकार जावे एका संत एक तो ग्रह बसते यामी सच्चे पातशाह एका संगत एक अंतःकरण दी सारे नु संगत है इक्के घर च अंतःकरण च सारे वसदे है इक्के दी संगत की है जो कुटस्थ है ओदी अंतःकरण उपाधि है अते जेड़ा चिदाभास है ओदा अंतःकरण विशेषण है इस प्रकार इक्के दी संगत है अंतःकरण दी इक उपाधि है इक दी ते इक दा विशेषण है अंतःकरण इस प्रकार चिदाभास ते कुटस्थ इक्के अंतःकरण दी संगत वसदे हन मिल बात ना करते भाई मिलनी बात करदे नहीं हे भरावो किवें मिलन हो परमेश्वर दे नाल मिलन दी गल ही नहीं करदे हन इसे प्रकार फिर पड़े तको एका संगत एक तो गृह बसते इक यतन दी संगत करके इक्के घर शरीर दे विच वसदे हन मिल बात ना करते भाई मिलन दी बात
कदे हे भरावो पंजे ज्ञान इंद्रिये ते मानो एक अंत इस हृदय के अंदर ही रहिंदे हन। ये मिलन की गल नहीं करदे, जिहड़े इंद्रिय हन ये वखो वखे विशेआं नूं हरिया पशुआं नूं दौड़दे रहिंदे है, मन संकल्पां वल दौड़दा रहिंदा है। क्यों मिलन की गल एक परमेश्वर ने करदे जी, ना मन करदा ना पंजे ज्ञान इंद्रिये करदे हन। एक वस्त बिन पंच दुहेले संगत दे अंदर वसदे है, पर मिलन की गल नहीं करदे हन परमेश्वर नाल। हरिया पशुआं भी नहीं आई, सदा वास्ते बाहर विशेआं नूं दौड़दे रहिंदे हन। एक वस्त बिन पंच दुहेले आत्मा आनंद स्वरूप, उस तो बगैर पंजे जेड़े ज्ञान इंद्रिय है ये भी दुहेले दुखी हो रहे है। रूप नूं अखी वेखन वजियां दा रंग तमासे, उस ते निंदा कन सुन रोवन ते हासे, स्वादी जीवन लगी है रजिया कर भोग बलासे। इस प्रकार नक न रजिया वास लै दुर्गंध से वासे, स्वादी जीवन रजिया कर भोग बलासे। इस प्रकार भी इन्हें इंद्रिया की हालत है। एक चेतन रूपी वस्तु की सिख्यात तो बिना ਤੇ ਪੰਜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਠਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਠਾਈ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚੇਤਨ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਅਧਿਸ਼ਟਾਨ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਅੰਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਇਹਨਾਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨ ਹੈ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਇੰਦਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਹੈ ਅਗੋਚਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਤੇ ਠਾਈ ਹੈ ਰਿਵੇ ਰੂਪੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਠਠਿੰਦਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਗਿਆਤ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿੰਨ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਘਰ ਸਰੀਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੌ ਪਾਈ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਨੀ ਕੋਈ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਯੋਗਾ ਵਿਆਸੀ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਂ ਕੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਮਟੀਲੀ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਦੀ, ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਗੁੰਬਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਯੋਗਾ ਵਿਆਸ ਜਨ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਯੋਗਾ ਵਿਆਸ ਜੁਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਕੁੰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਹਨਗੇ ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਰੂਪੀ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿਚ। ਇਹ ਚੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਦੇ ਨੀ ਐਵੇਂ ਯੋਗਾ ਵਿਆਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਯੋਗਾ ਵਿਆਸ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕੁੰਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਤ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੋਠਾ ਬਣਿਆ ਵਿਚਾਰ ਲਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਛੱਤ ਢੱਕੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਰੀਰ ਨੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਢੱਕ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਝ ਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਠੇ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠਾ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹੋ ਹੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਨ ਤੇ ਉਪਜੇ ਮਨਮਾਏ ਸਮਾਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੀ ਬੈਠਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਪੰਜ ਕੋਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਕੀਰ ਹਨਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾੜੀਆਂ ਹਨਗੀਆਂ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਨੀ ਆਈ ਹਨਗੀਆਂ, ਤੇ ਦੇਹ ਅਭਿਆਸ ਰੂਪੀ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਲਟੈਣ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਛੱਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
गुरु साहब के पास कुंजी ब्रह्म विद्या दी है, परमेश्वर संत ने की है। अनक उपाल करी नहीं पावे, यत्न कर लवे पुरखो नहीं किसी प्रकार पा सकदा। दिन सतगुर शरण आई, सतगुरु साहब की शरण पई तो बगैर मन कोठा तन छत, मन गुरबन त्याग नोगड़ गुर कुंजी पाहु नगल अगर न को कुंजी हाथ, नानक गुर का मन का ताग नोगड़े अगर न कुंजी हाथ, गुरु साहब तो बगैर होर कोई खोल नहीं सकता। इस अनक उपाव करे नहीं पावे, जतन कर ले योगा अभ्यास कर ले साधन कर ले अते वराग वे कारक साधन सिख ले किसी प्रकार पा नहीं सकता आत्म रूपी वस्तु अंदरों। बिन सतगुरु शरण आई, सतगुरु साहब की शरण तो बगैर भरम रूपी जिंदा लगा होया जे अभ्यास के तख्ते अड़े हुए हैं तो इस प्रकार सतगुरु की कृपा तो बगैर प्राप्त नहीं हो सकता। जिनके बंधन काटे सतगुरु, बंधन सतगुरु सच्चे पातशाह पाई कृपा करके काट दिते मेट दिते हम। तिन साध संगत लिव लाई, उन्होंने सुख संगत मिल करके परमेश्वर से लिव लाना की है, दुखी जोड़ना की है। पंच जना मिल मंगल गाया, उन्होंने पंजे जन जेड़े शब्द स्पर्श रूप रसगन दिशा च दौड़ वाले इंद्रे सी, अखा नाल दर्शन करन लग गए, कना नाल सुनन लग गए, रसना नाल गुण गाउन लग गए, पैरां नाल सत्संग चलन लग गए। क्यों पंच ज्ञान इंद्रिया जना नूं मिल करके मंगलाचार नूं गाउणा कीता। पंच जो कौन संत मुखी, जिन्हां नूं पंजे काम करो जिते हुए है, पंजे विषय रोके हुए है, उन्हां पंज मुखी जना संतां नाल मिल करके जदों मंगल नूं गाउणा कीता। पंच जिन्हां दे कुक पाउणा मन्ना, एक सरवण ते एक मनन ते निभ्यासन, एक भगती करनी, ए पंज जिन्हां संतां दे विच प्रधान गुण हन, उन्हां नाल मिल करके मंगल परमेश्वर दे जस नूं गाउणा कीता। हर नानक भेद ना भाई, सतगुरु जी कहिंदे वी हरी दा ते ओह सुर परपक चेतन दा कोई फर्क नहीं, कोई विरूप हो जांदे हन उल्ट करके, फर्क नहीं रहिंदा है, साखी चेता केवल निर्गुणास्य इको जोर स्वरूप है, इस प्रकार फर्क नहीं कोई रहिंदा भाई, कोई रूप हो जांदे हन। जिन जाता सो तुसी जेहा, अद निर्माल शीस देहा, जदों पंजा ज्ञान इंद्रियां नाल मिल करके संत जना नाल मिल के पंच जो श्रेष्ठ जना नाल संतां नाल मिल के मंगल नूं गाउणा कीता, हरी जो भेजता होगी कोई फर्क नहीं रहा, इस प्रकार हे भाई एकता हो गई। मेरे राम राय इन विद मिले गुसाई, हे मेरे राम राय दे प्यारे भाई पारो भाई पुराना जी, इस प्रकार पृथ्वी का मालिक परमेश्वर मिलता है। सहज भया भ्रम छिन मह नाठा, उन्होंने सहज ना अंकुट दे नाल ज्ञान दा वाचक है, स्वरूप दा वाचक भी कई थाई हुंदा है, सुभा का नाम भी कई थाई हुंदा, कहे कबीर अंकुर सहज न जाई, उथे भी अंकुर नाल सुभा का नाम, उथे इथे सहज का नाम ज्ञान का नाम है। सहज भया, सहज भया भ्रम छिन मह नाठा, सहज ज्ञान प्राप्त हो गया, भ्रम क्षण विच ही नस गया नठ गया। मिल ज्योति ज्योत समाई, ज्योति जो परतक ज्योत सी ओ ज्योति।